नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं बॉलीवुड की कुछ चटपटे खबरें। माँ करीना संग मॉर्निंग वॉक करते दिखे तैमूर। बॉलीवुड का सबसे चहीदा बच्चा तैमूर अली खान माँ करीना कपूर खान के साथ मॉर्निंग वॉक करते दिखे। इस दौरान तैमूर सड़क के किनारे फुटपाथ पर अपनी माँ करीना के साथ चलते दिखे। स्काई कलर के टी शर्ट और व्हाइट पैंट में तैमूर बेहद क्यूट लग रहे हैं। वही क्रीम कलर का स्पोर्ट ट्राउजर में करीना दिखी। टॉप 15 इंडियन बिकनी गर्ल्स, जिसे देखकर किसी का भी छूट जाएगा पसीना। बॉलीवुड में पिछले कई समय से बिकनी का क्रेज चला हुआ है और इससे पहनने में ज्यादातर एक्ट्रेस झिझकाते भी हैं। फिल्म की डिमांड हो तो एक्ट्रेस इसे पहनती भी है। हाँ, कई एक्ट्रेस इसे पहनने से झिझकती भी है, पहनने से साफ मना कर देती है। आज आपको बताएंगे कि वो 15 बिकनी गर्ल्स, जिसे देखकर किसी का भी पसीना छूट जाएगा। सारा अली खान और दिशा पठानी के बीच छिड़ी जंग। सारा अली खान, जिन्होंने पिछले साल अपने बॉलीवुड डेब्यू के साथ धूम मचा दी थी, वो एड वर्ल्ड की नई फेवरेट बन गई है। कई एक्ट्रेस को सारा अली खान ने रिप्लेस कर दिया है। सारा अली खान ने श्रद्धा कपूर को एक कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स बॉन्ड और श्रुति हासन को एक कोल्ड ड्रिंक बॉन्ड के चेहरे के रूप में बदल दिया है। और अब जाने माने पोटर्स ब्रांड प्यूमा को फेस बनाने जा रही है, जिसे कुछ समय पहले तक एक्ट्रेस दिशा पठानी प्रमोट करती थी। सनी लियोनी ने दिया हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को टक्कर। वायरल हुआ ये वीडियो। टिकटॉक ऐप के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो रही है। इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी पर टिकटॉक का फीवर चढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर इनके टिकटॉक के वीडियोस छाए हुए हैं। हाल ही में सनी लियोनी ने डांस के कई वीडियोस इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। एक वीडियो में सनी हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के गाने तेरी आँखियाँ का योग काजल पर डांस करती नजर आ रही है। इस मॉडल ने दिखाई अपनी सेक्सी प्राइवेट पार्ट्स। जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, वो हर बात ही अपने बॉल्ड लुक के कारण चर्चाओं में आ जाती है। यह विदेशी मॉडल हमेशा ही अपने सेक्सी लुक के कारण तहलका मचाती है। इस मॉडल ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो कि आए दिन अपने बोल्ड फोटोज शेयर करती है। एक बार फिर इस मॉडल ने सभी को बताया है कि वह कितनी हॉट और सेक्सी है, जिसे देखने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। 26 साल छोटी मिलिंद सोमन की पत्नी ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी, फोटोज हुई वायरल। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल्स अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। कभी अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चे में आ जाती है, तो कभी अपनी पत्नी संग अकेले में एंजॉय करते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसे में हाल ही में सुपर मॉडल अभिनेता मिलिंद सोमन अपनी पत्नी कविता कोवर संग छुट्टियां मना रहे हैं, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बीच उम्र का फासला 26 साल का है। मिलिंद की उम्र 53 साल है, तो वही अंकिता उनसे 26 साल छोटी है। वरुण को कौन भेजता है न्यूड फोटोज, वरुण ने किया खुलासा। वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कलंक के प्रमोशन में व्यस्त है। इस बीच वरुण ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल वरुण ने अरबाज खान की टीवी शो के दौरान ये खुलासा किया है। अभिनेता अरबाज खान का शो पिंच एक ऐसा शो है जिसमें सेलेब्स का सोशल मीडिया पर ट्रोल होने से लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत पवित्र रिश्ता के बाद एक बार फिर एकता कपूर के साथ करना चाहते हैं टीवी शो। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एकता कपूर के शो पवित्र रिश्ता से की थी। सीरियल में उनके साथ अंकिता लोखंडे लीड रोल में थी। उसके बाद सुशांत सिंह को बॉलीवुड में ब्रेक मिला। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हाल ही में फिल्म सोनची रिया में नजर आए थे, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसी का नतीजा है कि फिल्म औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर गिर गई। लेकिन इस फिल्म ने काफी लोगों को उम्मीद दी थी और शायद यही वजह है कि सुशांत ने अपना इंस्टा अकाउंट से फोटो और पोस्ट डिलीट कर दिए।
ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब नहीं दिखेगी ये एक्ट्रेस, वजह हैरान करने वाली है। ये रिश्ता क्या कहलाता है से एक और एक्ट्रेस ने अलविदा कह दिया है। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता में कार्तिक की माँ सुवर्णा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस पारुल चौहान ने ढाई साल बाद शो अलविदा कह दिया है। शो में उनका महत्वपूर्ण रोल था, लेकिन पिछले कई दिनों से वो शो से नाराज थी। हिना खान ने कसौटी जिंदगी के सीरियल्स के TRP चार्ट में नंबर 1 होने की खुशी में गाना गाया। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई फोटो या वीडियो शेयर करती रहती है। अब उन्होंने एक और वीडियो शेयर की है जिसमें वह अपने कसौटी जिंदगी के में गाना गाया है, चाहत के सफर में गाना गाती हुई नजर आ रही है। मुन्ना भाई के लिए हामी भर दी थी, लेकिन डेट्स की समस्या आ गई थी विवेक ओबेरॉय। एक्टर विवेक ओबेरॉय ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वह संजय दत्त अभिनीत मुन्ना भाई MBBS में लीड एक्टर के लिए पहली पसंद थी। उन्होंने कहा, मैं यह फिल्म करना चाहता था लेकिन इसके लिए हामी भर दी थी, लेकिन अपनी डेट्स एडजस्ट नहीं कर पाया। बतौर विवेक शायद किस्मत में इसे संजय दत्त की फिल्म बनाना लिखा है। शाहरुख ने डेब्यू टीवी शो फौजी के डायरेक्टर का एक डायरेक्टर कर्नल राजकुमार कपूर का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे ने फेसबुक पर यह जानकारी दी है। कर्नल कपूर ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, मैंने अभिनय किया है, 3 लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन सबको यही याद रहता है कि मैंने शाहरुख को लॉन्च किया था। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के रिलेशन को लेकर पिछले कुछ समय से खूब खबरें आ रही है। कुछ दिनों से तो दोनों की शादी की खबरें भी खूब आ रही है। मलाइका अर्जुन शुक्रवार को लीलावती हॉस्पिटल में स्पॉट किया गया। हालांकि ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि दोनों हॉस्पिटल क्यों गए थे। बता दें कि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि मलाइका और अर्जुन 19 अप्रैल को शादी करने वाले हैं, लेकिन फिर ये खबर आई कि दोनों इस दिन शादी नहीं करेंगे। वैसे दोनों अब ओपनली साथ में पार्टी, डिनर और इवेंट्स नजर आते रहते हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।